सब्सिडी मिलती है पॉलिटिकल साइंस का एमबीए पार्ट 1 का इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। राजनीतिक शास्त्र के जिक्र किया गया है, राजनीतिक शास्त्र के ऊपर किस भाषा सुनी है, यूनान भाषा, किस भाषा सुनी है, यूनान भाषा। उनके द्वारा आप ये ध्यान रखना है कोटिल, कोटिल का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, और विष्णुगुप्त भी है और एक बात और नाम है चाणक्य भी है। इनके द्वारा क्या बोला गया, राजनीतिक शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा गया। क्या कहा गया, राजनीतिक शास्त्र को अर्थशास्त्र। इसके द्वारा कहा गया कोटिल के द्वारा कहा गया, मतलब को ध्यान रखना है कि राजनीतिक शास्त्र का आरंभ, आरंभ मैंने शुरू और अंत किससे बताया गया, राज से बताया गया। और यह कथन है गार्डनर साहब का, गार्डनर साहब के द्वारा बताया गया राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज से होता है। कथन किसका है, गार्डनर साहब का। राजनीति शास्त्र का जनक के रूप में जाना जाता है और ये इटली के रहने वाले थे। ये बात अति इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रख लेंगे। सब्सिडी ये पार्ट की दृष्टि से जे डब्ल्यू गार्डनर के द्वारा बताया गया कि राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, आपको ध्यान रखना है जे डब्ल्यू गार्डनर के द्वारा ही राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा दी गई। फिर आप ध्यान रखना है जनसंख्या, प्रदेश, सरकार एवं संप्रभुता किसका मूल तत्व है, तो राज्य के मूल तत्व है किसी भी राज्य के निर्माण में और तत्व के रूप में जनसंख्या इम्पोर्टेंट होता है। वहाँ पर प्रदेश कैसा है ये इम्पोर्टेंट होता है, और वहाँ पर सरकार किस प्रकार लोगों के लिए काम करती है और लोगों के जन कल्याण के लिए क्या क्या लोग तक सेवा पहुंचाने की कोशिश करती है, इम्पोर्टेंट रहता है। किसी भी राज्य के मूल तत्व के रूप में हम लोग देखेंगे जनसंख्या, प्रदेश को, सरकार को और संप्रभुता को। ये ध्यान रखना है अरस्तु, अरस्तु जो एक महान विचारक और नास्तिक रूप में भी जाने जाते हैं, इनके द्वारा बोला गया था जो एक दार्शनिक रह चुके हैं, इनके द्वारा बोला गया जो मनुष्य राज्य का सदस्य नहीं, जो मनुष्य राज्य में रहना नहीं पसंद करते हैं, वे या तो देवता है, क्या है, देवता है या दानव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दानव कहलाते हैं। अर्थात वन वुड डिसलाइक सोसाइटी नाइदर गुड नाइदर मास्टर, मतलब क्या चीज, जो व्यक्ति मनुष्य समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं वह तो या तो देवता कहलाते हैं या दानव कहलाते हैं। यह कथन अरस्तु साहब के द्वारा दिया गया था, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ये ध्यान रखना है डब्ल्यू विलोबी के द्वारा क्या कहा गया, आज्ञाकारिता ओबीडियंसी को राज्य के मूल तत्व में शामिल करने का प्रयास किसके द्वारा दिया गया था, डब्ल्यू विलोबी के द्वारा दी गई थी। जो ये पार्ट वन के सब्सिडी के दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट है। फिर एक आदर्श राज्य की कल्पना की गई थी, कितनी जनसंख्या होना चाहिए जिसके तहत एक आदर्श राज्य उसको उस राज्य को कहा जा सकता है, संख्या 5040 होनी चाहिए। यह कथन किसका है, प्लेटो साहब का। किसका है, प्लेटो। प्लेटो साहब के बारे में आपको यही बात ध्यान रखना है, प्लेटो किसी से रह चुके हैं, अरस्तु, वो रह चुके हैं अरस्तु, और अरस्तु गुरु था सिकंदर का, अरस्तु गुरु था सिकंदर का, ये अति महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो और अरस्तु गुरु है खुद सिकंदर का। रूसो जिसका जन्म 1712 ईस्वी में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, इसके द्वारा एक आदर्श राज्य की जनसंख्या बताई गई थी। जनसंख्या मतलब कि लोगों की संख्या की गिनती को जनसंख्या कहते हैं, और इनके द्वारा ही, रूसो साहब के द्वारा ही आदर्श राज्य की कल्पना की गई, और उसमें मतलब की 10,000 की आवश्यकता जनसंख्या बताई गई जिसके तहत ही आदर्श राज्य किसी राज्य को हम बोल सकते हैं। फिर एच जे लॉस्की द्वारा कहा गया कि मनुष्य समुदाय निर्वाह करने वाला प्राणी है, मनुष्य समुदाय में रहते हैं और समुदाय को निर्वाह करने वाला प्राणी रूप में मनुष्य को जाना जाता है।
कि समुदाय के बिना मनुष्य का जीवन मनुष्य का जीवन जीना संभव नहीं है। यह कथन लस्की के द्वारा बोला गया, लस्की सांप के द्वारा बोला किया था। मनुष्य समुदाय का निर्माण करने वाले प्राणी के रूप में जाने जाते हैं। फिर राज एवं सरकार दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। राज स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। बिना किसी दो एक दूसरे के ईच अदर हेल्प के बिना दोनों का जीवन यापन संभव नहीं है। इसलिए राज्य को सरकार केंद्र सरकार के द्वारा सपोर्ट की जाती है और केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को किसी भी सहायता लेना होता है तो सपोर्ट की जाती है। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक गुलाम राज था। भारत को गुलाम राज इसलिए बोला गया कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। भारत में कितना राज है, 29 राज और 107 के शासित प्रदेश पाए जाते हैं। सभी मिल करके ही भारत का देश का निर्माण हुआ है। और इसकी जो क्षेत्रफल है 32,87,230 वर्ग किलोमीटर एरिया ऑफ इंडिया। आपको ध्यान रखना है ये एरिया ऑफ इंडिया है, जिसमें राज्य की संख्या 29 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 7 केंद्र शासित प्रदेश को बनाए गए और भारत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही 7 केंद्र शासित प्रदेश का को सपोर्ट विशेष रूप से दर्जा दिया गया और सपोर्ट भी किया गया। 1947 से पहले भारत एक गुलाम राज था, ये बात आपको ध्यान रखना है। और 200 वर्षों तक इस देश को 200 वर्षों तक जो ब्रिटिश हुकूमत ने गुलामी की जंजीर में जकड़ के रखा, ये भी अति महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान रखिए। फिर ध्यान रखना है कन्फ्यूशियस के द्वारा राज्य को एक कल्याणकारी संस्था के रूप में स्वीकार किया। राज्य को एक कल्याणकारी संस्था के रूप में कौन बोला, कन्फ्यूशियस, ये अति महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखिए। राज्य के व्यक्तिवादी सिद्धांत का समर्थक कौन है, राज्य में व्यक्तिवादी सिद्धांत के समर्थक कौन रह चुके हैं, बेंथम, हेबर्ट स्पेंसर, जे लॉस्की के द्वारा ही व्यक्तिवादी सिद्धांत का समर्थन किया गया था, ये ध्यान रखना है। राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक कौन है, राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक हिगेल साहब है। राज्य को पृथ्वी पर आत्मा का अवतरण किसके द्वारा बोला गया, हिगेल के द्वारा बोला गया, क्योंकि मनुष्य की जितनी भी आवश्यकता होती है इस देश में भारत की किसी भी कोना में रहेगा तो राज्य में इच्छा गाँव में वहीं पर आवश्यकता की पूर्ति हो पाती है। राज्य को पृथ्वी पर आत्मा का अवतरण किसके द्वारा बोला गया, हिगेल के द्वारा बोला गया, जो एक आदर्श विचारवादी थे। एमपी कॉलेज के द्वारा कहा गया कि मेरी आत्मा का निवास स्थान कहाँ है, राज्य में आपको दे देगा, मेरी आत्मा का निवास स्थान कहाँ है, राज्य में है, यह कथन किसका है, तो आपको ध्यान रखना है एमपी कॉलेज किसका है, एमपी कॉलेज का। उसके बाद ध्यान रखेंगे सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, मतलब कि स्टेट के अंदर ही आता है और स्टेट मार्ग कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। कथन किसका था, मुसोलिनी का था। मुसोलिनी के द्वारा बोला गया कि सब कुछ राज्य के अंदर है और यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं है, कथन है मुसोलिनी। आदर्शवादियों द्वारा राज्य को क्या बोला गया, साधु के रूप में जाना गया, ये बात अति महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।